हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे बना सकते हैं एक बेंडिंग मशीन जो कि फुली रेडस्टोन से है, कोई कमांड ब्लॉक का यूज नहीं किया गया है। तो इसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, ये है अपनी बेंडिंग मशीन और यहाँ पर इतना सामान मिलता है, आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली आप कितना भर सकते हैं पीछे। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमारा जो करेंसी है वो है डायमंड। जैसे हम डायमंड डालेंगे, किधर है डायमंड, ओके, तो इसमें डायमंड एक डायमंड डालना है इसमें मात्र, ओके। तो अभी हमने इतने डायमंड ले लिए हैं हाथ में। और उसके बाद अभी ये है सिलेक्ट करने के लिए कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी मुझे ड्रैगन हेड चाहिए, तो ये नीचे आ गया, यानी कि ड्रैगन हेड मिलेगा अगर मैं इसमें एक डालूँगा। तो यहीं से डायरेक्ट डाल देते हैं, ओके। अभी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा ड्रैगन हेड जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से वर्क करता है। और अगर हमें एलाइट्रा चाहिए तो सिंपली ये एलाइट्रा पर सेट करना है हम लोगों को। और उसके बाद फिर से एक डायमंड डालना है, पड़ जा भाई, ओके। तो अभी हमारे पास एक लाइटर आने वाली है, तो बस रास्ते में होगी, ओके, आ गई। तो मतलब इस तरह से बेंडिंग मशीन वर्क करेगी। तो ठीक है, मैं इसका ट्यूटोरियल देता हूँ कि आप ये कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले मैं इन्वेंटरी अपनी क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, मैंने एक्चुअली जो ये कस्टम वर्ल्ड है, जिसकी वजह से मैंने नीचे एक भी फ्लोर ही नहीं बनाया, इसमें सीधे नीचे बेडरॉक है इसके बाद, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा है। तो ये होगा आपका ग्राउंड, यानी कि यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो कुछ भी स्टोन वगैरह यूज करना वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी एमराल्ड ब्लॉक ले लेता हूँ और एक आयरन ब्लॉक, ये अपना स्टार्टिंग का बनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा डेकोरेट करके बनाना हो तो उसके लिए ये। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो अपना सारा सिस्टम होगा ना वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये एकदम बीच का बन गया। और साइड में हमें और लगा देना है जो कुछ भी हम लगाना चाहते हैं। कहाँ लग रहा है, तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक गड्ढा करना है तीन ब्लॉक नीचे तक, उसी डबल करना है। ठीक है, ये फुल्ली नीचे तक जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ देना है। उसके बाद इधर मतलब सब कुछ तोड़ देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है, तो ये जगह छोड़ देनी है इतनी, और यहाँ पे चेस्ट रखी जाएगी, ओके। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए, तो ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया, और ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा। तो बस अपना काम हो गया, नीचे का जो पेमेंट एक्सेप्ट करने का सिस्टम है वो इस कुछ इस तरह से बनेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम चेस्ट ले लेते हैं, और चेस्ट ले लिए हैं। उसके बाद होपर लेना है, क्योंकि होपर का सारा काम है। तो सारा मटेरियल ले लेते हैं हम लोग। पहले हमें रिपीटर चाहिए, ठीक है, रेस्टोन रिपीटर और कंपेरेटर वगैरह वगैरह, और टॉर्च भी चाहिए, डस्ट भी चाहिए, रेस्टोन ब्लॉक भी चाहिए, तो ये चाहिए। तो अभी क्या करना है, हम यहाँ पे एक चेस्ट रखनी है, और आप चाहें तो नीचे से जगह बना सकते हैं चेस्ट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो एक ये ज़्यादा फूट गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट पे क्लिक करके एक्चुअली शिफ्ट नहीं, क्राउच होना है, उसके बाद हॉपर लगा देना। आप चाहें यहाँ पर एक होपर के बजाय एक चेस्ट रख सकते हैं डायरेक्ट, तो वो भी काम कर लेना। होपर ही ठीक है, सीधे फेंकना पड़ता है, वो अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेता है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए है रिपीटर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक रेड स्टोन का ब्लॉक, उसके बाद उतना माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, ये अभी ये माइनस हो गया तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अभी तो चलेगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डालना है, और अभी इसको थोड़ा इधर रख देते हैं,
यही थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देख लो आप लोग, एक टॉर्च लगानी है इधर, उसके बाद आप चाहे रिपीटर यूज कर सकते हैं और चाहे तो अपना इसे यूज कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद इसे, तो ये अभी ये जो हॉपर है वो लॉक हो गया है। अभी हमें हॉपर के अंदर क्या रखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कुछ ऐसा आइटम जो अनस्टॉकेबल हो, तो ये है अपना कि चार एले लेने हैं, उसके बाद चार बेड हो गए, उसके बाद हमें करंसी अपनी सेट करनी है। तो पहले तो हम इनको रख देते हैं। ओके, उसके बाद करंसी हमें सेट करनी है, और करंसी सेट करने के लिए क्या हमें 64 रख देने, लेकिन उनमें से एक अपने आप चला जाएगा, या आप एक हटा के रख सकते हैं। यूँ एक चला गया, करंसी सेट हो गई। ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ पे कोई भी करेंसी सेट कर सकते हैं। मैंने वापस से डायमंड ही सेट कर दिए, तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे एक डायमंड और आएगा, वैसे ही इसे पावर मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा फिर। और इधर से रेस्टोरेंट टॉर्च बंद होगी, यहाँ से इसे हॉपर को अनलॉक कर देगी, जो कि हमारा चेस्ट में चला जाए। तो अपना जो पेमेंट का सिस्टम था वो बन चुका है। अभी अब हमें बनाना है बाकी का सिस्टम, कि बाकी का क्या, अभी हम क्या करते हैं इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कोई काम नहीं करना। ये हो गया, और रेस्टोरेंट का भी काम हो गया है, और इसका भी हो गया। अभी होपर का, टॉर्च का, सबका बचा हुआ है, तो इनको रख लेते हैं हम लोग। ओके, और अभी हम क्या लेते हैं, आइटम फ्रेम। ठीक है, और हम चाहें कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये टॉर्च भी यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए। तो हमें ये लगा देने 9, उसके बाद एक ये सिलेक्टर, आइटम सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो भी आइटम रखने होंगे वो हम सिलेक्ट कर लेंगे अभी। तो ये काम हो गया, और अभी हमें पीछे का क्या करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो पीछे के लिए क्या करना है, पहले तो हवा में आ जाओ, उसके बाद कोई सा भी एक ब्लॉक ले लेना है, तो मैं येलो गोल्ड ब्लॉक ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कंपेरेटर किधर गया, वो मैंने फेंक दिया शायद, कोई नहीं, दोबारा ले लेते हैं। ऐसे रखेंगे इसे, ऐसे और इसे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, 8 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 भाई ज़्यादा गिन गया क्या। ठीक है, अभी 8 है, नहीं 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 3। ओके, मुझे लगा कि सेम होना चाहिए, पर कोई नहीं। हाँ, ये एक कदम पीछे से बन रही है इस वजह से, कोई नहीं, एक ब्लॉक पीछे से बन रही है मशीन, तभी मैं कहूँ मैंने गलत गिन दिया क्या। ओके, उसके बाद इस पर डस्ट डाल देनी है। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से आपको सीखना है कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम नीचे, एक्चुअली हमें यहाँ पर ब्लॉक लगाने पड़ रहे हैं, वैसे जब आप ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे तो होंगे। उसके बाद यहाँ पे रिपीटर रख देने हैं, 8 रिपीटर, और उसके बाद वापस से ब्लॉक लगा देने हैं, और एक बार फिर से ब्लॉक लगा देने हैं। अभी ये डिकोडर बन रहा है, जो डिकोड करेगा कि कौन सा आइटम सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर वापस से रिपीटर। एक सेकंड, मैंने फिर एक पीछे से बना दी, वो नहीं बनानी है। ओके, तो ये तो यूजलेस है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बना लेना है, और उसके बाद वापस से ब्लॉक सेट करना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हमें लाना है अपना ड्रॉपर, ड्रॉपर। ओके, और ड्रॉपर को सेट करना है कुछ इस तरह से, इसका मुंह ऊपर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया, और उसके बाद क्या करना है, एक्चुअली इसे इस तरह से लगाना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे भी रेस्टोरेंट लगा देना है,
एक्चुअली ब्लॉक लगा देना रेस्टोरेंट ने, ठीक है। तो ये हो गया, और अभी जो हमने यहाँ पे इसको छोड़ा है, इसको कनेक्ट करके लाना है यहाँ तक, और यहाँ पे इस तरह से लगा देनी है। तो ये हो गया, और उसके बाद हमको बनाना है ऊपर जहाँ से हमारा जो पेमेंट होगा वो एक्सेप्ट होगा। तो हम यहाँ पे चेस्ट रख सकते हैं, या फिर डिस्पेंसर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो कुछ भी आपकी पसंद हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने अभी चेस्ट रख दी, और अभी मैं क्या करना है, चेस्ट में ऑफ़र लगाने हैं, दो ऑफ़र इधर, उसके बाद एक इधर, फिर इधर, ठीक है। अब तो आप जानते ही हैं, ऑफर को लास्ट तक मिला देना है। ओके, और ये कंफर्म करना है कि सारे ऑफर का मुंह जो है वो उस साइड को होना चाहिए, इस तरह से इधर है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है तो तोड़ दिया। ओके, तो ये हो गया, और अभी जो अपनी वेंडिंग मशीन है वो एकदम से तैयार हो चुकी है, सारा काम हो चुका है जो कुछ भी होना था। तो अभी हमें इसमें आइटम सेट करना है, तो अपना जो ये वाला आइटम, ये है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, आइटम 7, आइटम 8, तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। अभी क्या करना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, सेम ऐसे ही हमें वहाँ पे रखने हैं। ओके, तो पहले में हमें ये रखना है, एक ही ब्लॉक है तो कोई नहीं, ग्रीन रख लेते हैं, लेकिन एक हाथ में भी धोना चाहिए। आप इसमें कितना भी रख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफर कनेक्ट करके डिस्पेंसर की तरफ और भी बड़ा कर सकते, वैसे इसके बाद ज़रूरत नहीं होगी किसी को कि और बड़ा करना पड़े। तो पहले में हो गया, दूसरे में अपना ये है, तीसरे में ये है, और चौथे में ये है, पांचवें में ये है, छठवें में ये, सातवें में ये, और आठवें में ये। तो ये हो गया, और आप लोग चाहें तो यहाँ पे साउंड के लिए नोट ब्लॉक भी लगा सकते हैं, तो उससे बस थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो टूँ टूँ होगा। और आप नहीं लगाना चाहते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। तो मैं नोट ब्लॉक लगा देता हूँ। ओके, तो अभी नोट ब्लॉक लगा दें, वैसे भी साउंड सुनाई नहीं देगा फिलहाल। तो यहाँ पर नोट ब्लॉक लगा दो, 8 नोट ब्लॉक चाहिए इसके लिए, कुछ भी साउंड सेलेक्ट कर दो कस्टम, ठीक है। तो ये हो गया, अभी जो हमारी जो वेंडिंग मशीन एकदम से तैयार हो गई है। आप चाहें तो इस तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। तो अभी मैं डेकोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बढ़ेगा। तो ठीक है, अभी हम डायमंड लेते हैं, और यहाँ पे ये है भाई। ओके, तो यहाँ पे ये है। ओके फ्रेंड, तो इसके बाद अपनी जो मशीन एकदम तैयार हो चुकी है, बेंडिंग मशीन, तो अभी हमें इसमें पेमेंट डालना है, और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है आइटम। तो हम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं रेड स्टोन, ठीक है, रेडस्टोन, चलो हम ऑफर सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालते हैं अपना पेमेंट, अभी पेमेंट गया यहाँ से, और यहाँ पे अपना ऑफर आ रहा होगा, रास्ते में होगा, आ गया। तो इस तरह से बर्क करती है मशीन, और उसके बाद आप नीचे से अपना पेमेंट भी निकाल सकते हैं, जितना भी हुआ होगा वो आपका निकल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, इस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं आप लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।